स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी आप गाड़ी का एडमिशन करते हैं तब आपको इंस्ट्रूमेंटल के साथ कुछ लाइट्स दिखाई देती है, कुछ लोगों से दिखते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की, ये देखिए इग्निशन ऑन कर देता हूँ, ये इतने सारे लाइट्स चलती है इसके अंदर, तो ये क्या इंडिकेट करती है उस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। फिर से दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए इतनी सारी लाइट चलती है, ये देखिए फिर से। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। आप जो ये आई वाली देख रहे हैं, ये हैंड ब्रेक के लिए है, इसका मतलब कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरपीएम मीटर में जो लाइट्स दी होती है उसके बारे में, मतलब जो इसमें दी हुई है, इस गाड़ी में सबसे पहले दी हुई है एबीएस की लाइट। एबीएस की लाइट तब काम आती है जब आपके एबीएस जो वो डिसेबल हो चुका होता है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी। तो उसके अगले वाली चीज़ है एयरबैग की। एयरबैग की भी तब काम आती है जब आपकी जो गाड़ी में एयरबैग है कोई प्रॉब्लम हो उसमें या फिर सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो। अगली जो लाइट है वो है इंजन में कुछ प्रॉब्लम की, जैसे कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको चेकअप कराने के लिए ये लाइट आती है, ये रेड वाली और ये येलो वाली दोनों। अब स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखाता है उसमें देखिए ये ऑयल वाली लाइट दी हुई है, एक वायरिंग की लाइट दी हुई है, एक बैटरी वाली दी हुई है और एक और दी हुई है। मतलब ये सब दिखाता है कि आपके इंजन ऑयल में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है या आपकी बैटरी की पावर लो हो चुकी है, ये सारी चीज़ें ये दिखाता है जब भी कोई प्रॉब्लम इन पर प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसी कोई लाइट्स जो है जले तो परमानेंटली चलने लगे तो हमको उसको प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि तो शुरू में तो छोटी प्रॉब्लम लग सकती है लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है जो ठीक नहीं होता है गाड़ी के लिए। ये जिस गाड़ी में आपको बता रहा हूँ ये मेरी गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उनकी जो इंडिकेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ है, जैसे कि किसी गाड़ी में एबीएस नहीं है तो वो एबीएस वाली लाइट नहीं आएगी, किसी गाड़ी में एयरबैग नहीं है तो एयरबैग वाली लाइट नहीं आएगी। तो अलग अलग गाड़ियों में डिपेंड करता है उनके फीचर्स के हिसाब से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपके लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।